हमारा आज का टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटरी यानी संस्थागत भंडार। इसमें हम सीखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटरी क्या होती हैं, अर्थात इसमें अपलोड हम क्या क्या मटेरियल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटरी में के योगदाता कौन कौन हो सकते हैं अर्थात इसके निर्माण में कौन कौन योगदान दे सकते हैं तथा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके अलावा इसके यूजर कौन कौन हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एक संस्थान, विशेष रूप से एक शोध संस्थान के बौद्धिक उत्पादन की डिजिटल प्रतियों को एकत्रित करने, संरक्षित करने और उनको प्रसारित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यह सेवाओं का एक ऐसा समूह है जो कोई संस्थान अपने सदस्यों को प्रदान करता है। अब हम देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में हम क्या क्या मटेरियल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में कोई भी मटेरियल अपलोड करने से पहले हमें कॉपीराइट का विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी मटेरियल ऐसा ना हो जिससे अपलोड करने के बाद में कोई प्रॉब्लम आए, अर्थात कोई कॉपीराइट हमारे ऊपर लगे। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में हमें वही सामग्री डालनी चाहिए जो हमारी स्वयं की हो या कॉपीराइट से फ्री हो, यानी उस पर कोई कॉपीराइट ना हो। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में हम अनुसंधान लेख यानी रिसर्च आर्टिकल जो कि संस्थान के विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए हों, थीसिस तथा डिजर्टेशन जो कि संस्थान के शोधार्थियों के द्वारा लिखे गए हों को डाल सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल रिपोर्ट्स तथा अन्य शिक्षण सामग्री जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किया गया हो तथा शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स, मल्टीमीडिया जैसे कि ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, प्री प्रिंट्स, पोस्ट प्रिंट्स तथा वर्किंग पेपर आदि तथा छात्रों के द्वारा जमा किए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को भी हम इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी के योगदाता अर्थात इसके निर्माण में कौन कौन लोग सहयोग करते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है शोधकर्ता का यानी रिसर्चर्स का। रिसर्चर्स अपने शोध पत्र तथा थीसिस एवं सिनॉप्सिस के द्वारा इसमें योगदान दे सकते हैं। छात्र अपने शोध लेख, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, नोट्स तथा असाइनमेंट को इसमें अपलोड करवाकर इसके निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। कर्मचारी अपने वर्किंग पेपर्स, फाइल्स, रिपोर्ट्स तथा अन्य दस्तावेजों के द्वारा इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी संस्थान की कम्युनिटी अर्थात समुदाय विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल के द्वारा इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में योगदान दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के द्वारा कोई संस्थान या शिक्षण संस्थान अपनी गुणवत्तापूर्ण रिसर्च को विश्व पटल पर रख सकता है जिससे उस संस्थान की विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वह विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाता है, उसको ख्याति प्राप्त होती है। जो उस संस्थान में अध्ययनरत छात्रों तथा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारियों के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के द्वारा किसी संस्थान के उत्पादन को केंद्रीकृत अर्थात सेंट्रलाइज किया जा सकता है। इसके द्वारा संस्थान में उपलब्ध अभिलेखों का मानकीकरण किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के द्वारा पठन सामग्री को लंबे समय तक संचित करके उसको 24 घंटे उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके द्वारा कम खर्च पर सूचनाओं का प्रसार किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के द्वारा लेखकों के शोध पत्रों की साइटेशन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब पेपर ऑनलाइन सभी के लिए उपलब्ध होते हैं तो कोई भी उन तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकता है जिससे उसको लाभ उठाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इसके द्वारा स्टॉक में डुप्लीकेसी को भी रोका जा सकता है। अब हम देख लेते हैं
विषयों पर आधारित इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। वैसे तो आजकल विभिन्न विषयों पर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में साइटसीयर, इतिहास और मनोविज्ञान के क्षेत्र में HTT प्रिंट्स, मेडिसिन के क्षेत्र में PubMed, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ELIS तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में NORP उपलब्ध है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी के उपयोगता यानी यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में लेखक अपने लेखन के लिए, शोधकर्ता अपने रिसर्च कार्य के लिए, छात्र अपने स्टडी मटेरियल को देखने के लिए तथा शिक्षक, कर्मचारी तथा लाइब्रेरियन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी के लिए इस्तेमाल किए जाने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सबसे पहला जिसमें नाम आता है DSpace का, यह है कि बहुत ही अच्छा और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जिसको आसानी से यूज किया जा सकता है। इसका निर्माण MIT तथा HP लैब्स द्वारा सन 2002 में किया गया। इसके अलावा ePrints जिसको साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के द्वारा सन 2000 में विकसित किया गया। Fedora, फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर जिसको DuraSpace द्वारा सन 2013 में विकसित किया गया। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है NVenue जिसको 2015 में सन के द्वारा विकसित किया गया।